जो उस्ताद जी हैं उनकी बदौलत मैं जो भी ला रहा हूँ उनकी सर जो इनिशिएटिव लिया गया रहमान थे जो फाउंडेशन द्वारा लिया गया ये इनिशिएटिव उसको लेके क्या कहना चाहिए हमेशा से इस तरह के कॉज को उठाते हैं उनको लेके क्या कहना चाहिए रहमत है यस जी बस ये तो एक संस्था है कहना चाहिए सर इसमें दो चीज़ें हैं एक तो कॉज है जो इतना बड़ा कॉज है जहाँ जितना करो उतना कम है और इस कॉज के साथ हम जब आगे चलते हैं तो मैंने देखा कि एक शुरुआत में बड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन चीज़ें बड़ी आसान होती गई इट इज़ ऑल अबाउट बींग द इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर द राइट कॉज एंड पीपल ऑलवेज ज्वाइन ये सारे देखिए हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं ये लोग और ये इन्हीं लोगों की सपोर्ट से सब बनता है सर जो आपके फाउंडेशन है वो सिंगरों को मदद करती है लेकिन इस वक्त केरला फ्लड्स विक्टिम को यू आर हेल्पिंग देम व्हाट इज द रीजन कुछ बताना चाहिए आपने कब सोचा कि केरला फ्लड्स को हेल्प किया जाए टाइम जब केरला में बाढ़ हुई था वी आई मीन दे नीड सो मच मनी वी कैन कीप ऑन डूइंग दिस फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स केरला में इतना डेवास्टेशन हुआ है कि ऐसा नहीं कि 3 महीने 6 महीने में काम खत्म करके उनको पैसे दे दिए और काम हो गया वहां जो गांव में बिजली आई है 20 साल 25 साल के बाद वो भी चली गई वो सारी लाइन उसकी खराब हो गई है तो अगले और 10 साल लग जाएंगे तो वापस बिजली आने के लिए और सर भी आए आज सर के लिए क्या कह रहे सर हैज गिवन द टाइम ये पता चलता है कि सब लोग क्या बात है सब मिलकर करते हैं आपका हाथ है हाथ है देखिए ये सौरभ जी जो है हमारे सौरभ दत्तरी जी किसी भी मुश्किल को देखते हैं उसको आसान करने के लिए सामने आ जाते हैं व्यक्तिगत रूप से भी कितने लोगों को मदद की है कितने शायरों को म्यूजिशियंस को और अब जब ये पूरे स्टेट को तकलीफ आई है तो उसके लिए भी सामने आ रहे और हम लोग सब इनके साथ जुड़े हुए हैं शुरू से जुड़े हैं जब जब इनको हमारे कंधे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कंधा लगा देंगे कि चलो शुरू हो जाओ काम करने के लिए और वही हुआ है कि आज इतने सारे म्यूजिशंस आ गए हैं इतने सारे इनके दोस्त आ गए हैं सब ने मिल के काम किया है और उसके लिए हम सौरभ जी को बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने ये काम किया है और बहुत सक्सेसफुली किया है अभी हम हरिहरन जी को सुन रहे थे कमाल कर दिया उन्होंने और अब इसके बाद सोनू निगम आ रहे हैं वो भी कमाल करेंगे इसका हमको विश्वास है इतने सारे स्पॉन्सर्स इन्होंने सपोर्ट किया है कनकिया और SBI LIC सारे जो एक्सिस बैंक डिफरेंट महिंद्रा इतने सारी कंपनी ने इस कॉज में आगे सपोर्ट किया है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे देखिए स्पॉन्सर्स के बगैर तो ये काम हो नहीं पाता है क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स की जो टिकट सेल होती है वो तो खर्चों में निकल जाती है खर्च इतने होते हैं हॉल बुक करने के पब्लिसिटी के बाद तो जो स्पॉन्सर से पैसे मिलते हैं वही एक चैरिटी के लिए यूज़ होते हैं इकट्ठा हो पाते हैं तो हमें बहुत खुशी है कि इतने सारे स्पॉन्सर्स आए और उन्होंने मिलकर इस कॉज को सपोर्ट किया मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ अनुज जी सौरभ जी हमेशा से इस तरह के गुड इनिशिएटिव करते हैं चाहे वो सिंगर हो केरला फ्लड इस तरह का नए काम करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे यही कहना चाहता हूँ कि सौरभ दफ्तरी नेक दिल इंसान है और जब कहीं भी ज़रूरत पड़ती है किसी को तो ये सामने आ जाते हैं और पूरे जोश के साथ पूरे जज्बे के साथ काम करते हैं और उसका जो नतीजा है आज हम देख रहे हैं कि हॉल खचाखच भरा हुआ है बाहर लोग चिल्ला रहे हैं टिकट नहीं मिल रही हमको भी अंदर आना है तो ये जब कोई काम करते हैं जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें रहमत बरसती है बस वही है रहमत थैंक यू सबसे बड़ी बात भी हो गया कि हिंदुस्तानी है सब हाँ सब सच में और आर्टिस्ट लोग अगर वही काम है उनका तो सभी रिश्तेदार हैं जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वही गायब नहीं मिलता सब प्यारे मिलते हैं
सर आप क्या कहना चाहेंगे इस एसोसिएशन से? सच अ गुड ऑफिस चलिए ओके सर व्हाट इज योर ओपिनियन? अरे जैसे अनुज जी ने बोला कि एक बहुत नेक कार्य है जो कि सौरभ दफ्तरी जी कर रहे हैं, और ऐसे काम अगर कोई इंसान करता है तो रहमत अपने आप बरसती है, इतना ही कहना चाहूँगा। मुश्किल को देखते हैं, उसको आसान करने के लिए सामने आ जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी कितने लोगों को मदद की है, कितने शायरों को, म्यूजिशंस को, और अब जब ये पूरे स्टेट को तकलीफ आई कह लो तो उसके लिए भी सामने आ रहे, और हम लोग सब इनके साथ जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हैं।